बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें अपनी ज़िंदगियों में और हर मुश्किलें परेशानियों से बचे रहें। आमीन सुमामीन। और अपनी प्यारी सी बराने रहमत को समेटते रहें। और आज का जो मौसम है वैसे ही है, क्योंकि जब से आप यकीन करेंगे नया साल लगे ना, तो 6-7 दिन हो गए सूरज नहीं निकला नए साल में। जो पिछले साल निकला था, इस नए साल में सूरज नहीं निकला। पता नहीं सूरज दिया नाराज हो गए क्या हो गया। तो बस जी अब हम बना रहे हैं आज सुबह का नाश्ता, और सर्दी की वजह से बस कंबलों में पड़े रहने का ही दिल करता है, उठने का दिल बिल्कुल भी नहीं करता। तो नाश्ता भी थोड़ा सा लेट हो रहा है, क्योंकि अब बज रहे हैं 10 बजे का टाइम है, लेकिन सूरज कोई भी नहीं है, ठंड वैसी है। और बात करते हुए ऐसे मुँह से धुएं निकल रहे जैसे हमने अंदर आग जलाई हुई हो। आज हमारे घर मुख्तलिफ किस्म के पराठे बन रहे हैं। ये है जी मूली का मसाला, ये बचा हुआ था इसके पराठे बनाएंगे, और ये साग बनाया था और इसके पराठे बनाएंगे, ये आलू मटर गाजर बनाया था मिक्स सब्जी जो आपके साथ हम लोगों ने शेयर भी की थी, इसके पराठे बनाएंगे। मेरे पास सालन रखे हुए थे फ्रिज में, फ्रिज है तो बड़ा आसानी वाला काम हो जाता है, तो मैं सालन रख देती हूँ, उन चीज़ों को ज़ाया नहीं होने देती और इनके हम सुबह नाश्ते में इस्तेमाल भी हो जाएंगे। और पराठे तो आपको पता है सर्दी में वैसे भी अच्छे लगते हैं। रख दो नीचे, रख दो ऊपर। कौन सा पराठा खाएंगे, साग वाला, मूली वाला, आलू मटर गाजर वाला? आलू मटर गाजर वाला। आलू मटर गाजर वाला भाई, इन्हें कुटना कुछ जैसे डंडा हो, सबको कुटने के लिए एक ही डंडा रखा। बने नहीं पाया तो समय को कट दे। एक कुठे दा दे पिया पत्थर निकाल, पत्थर का दिखा ये है जी मिक्स सब्जी वाला पराठा। सब्जी को भात कर दिया है आपने तो कहा था मैश कर दो। हाँ जी मैंने कहा था मैश कर दो, भात कर दो। हाँ पहले ये बना दो। किसी को उड़ो ना। बहुत गर्म है।
ये है जी साग वाला परोठा, ये है जी हमारे तीन किस्म के पराठे, और आज सर्दी में पराठे ही पराठे ही हो गए, ऐसे है ना। नाश्ता वगैरह कर लिया था और अब साथ साथ जो है ना चाय भी बन रही है, क्योंकि आपको तो पता है चाय के बगैर जो नाश्ता है वो अधूरा है, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है। ये अब चाय हमारी तैयार हो रही है गरम गरम। अब जी हम कर रहे हैं बर्तन धोने वाले कट्ठे, और इधर की जरा हल्की सी सफाई करते हैं, क्योंकि आप लोगों को तो पता है ठंड में जो है ना ज्यादा सफाई नहीं होती। थोड़ा सा धूप निकले, थोड़ा सा अच्छा मौसम हो, अपने कमरे की और घर की दोबारा से जो है ना नीट सफाई करो। थोड़ा सा ऐसे धूप निकल जाए ना तो इससे यह है कि ना इंसान थोड़ा सा ना खुल जाता है, इंसान की चुस्ती हो जाती है। जब मौसम अच्छा होता है ना तो खुद बहुत काम करने को दिल करता है। हाँ, और हम लोग सोच रहे हैं कि हम जो है ना अपना गैस का भी कोई अच्छा सा सिस्टम करें, क्योंकि कमरे में काफ़ी ज़्यादा ठंड भी होती है। जैसे कि आपको नज़र भी आते होंगे वीडियो में, कैमरे में सुराख तो बहुत है, लेकिन मैंने इनके पापा को भी कहा हुआ है कि आप जो है ना यहाँ पे इधर टेप से ना मुझे गत्ता लगा दें, और ये दरवाजे का जो है ना ये ज़रा सही कर दें, और कमरे में जो है ना इन सुराखों से भी हवा आती है। तो जी कमरे की तो झाड़ मैंने वैसे निकाल दी थी, बिस्तरे वगैरह समेट लिए थे, और अब इधर चैन की मैंने नहीं ली, मैंने कहा कि अब नाश्ता बना के ना खुद दूंगी, ताकि फिर ये सारा दिन साफ आ जाएगा। पौधों को डालो, तो बस जी हम लोग ब्लॉग का करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और प्यारी बहन भी जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमें ऐसे ही अच्छे अच्छे व्यूज देते रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।